अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज का रोजा भी बहुत अच्छा गया और आज इतनी सारी मैंने इफ्तारी बनाई थी। और आज का ब्लॉग इतना जल्दी क्यों शुरू कर रही पता है, क्योंकि अभी जस्ट मगरिब पढ़ के खत्म हुई है मेरी रोजे के बाद। थोड़ा आज बैठ गई थी क्योंकि बाहर से भी अम्मी अली ने आज खाना लेकर आया था तो थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसीलिए अभी मेरी मगरिब खत्म हुई। और फिर मुझे आ गया है फोन जो मैंने चश्मे बनाने डाली हूँ, तो मैं वो एक्चुअली लेने जाने वाली थी कल, लेकिन फिर मैं कल निकल रही हूँ सूरत, तो इसीलिए मैंने बोला कि जाते जाते ले ही लूँ। क्या पता वहाँ कुछ मुझे पढ़ना पड़े, कुछ स्टेटमेंट चेक करना पड़े तो, और कुछ पेपर्स वगैरह रीड करना पड़े तो उसके लिए वो काम आ जाएंगे। पुराने चश्मे मेरे हो गए पुराने, इसीलिए तो मैंने नए चश्मे बनाई हूँ। तो चलिए फिर मैं आती हूँ चश्मे लेकर और फिर जल्दी से जल्दी जाने की तैयारी शुरू करती हूँ। इधर देखो इधर, बताओ नीचे आ रहा है। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बेटा, सही लग रहा आपको? चलो हो गए हमारे चश्मे और चश्मे की थैली भी हो। भैया चश्मे की थैली इतनी छोटी और पैसे का काफी वजन है इसलिए बता रही थी आपको, चश्मे की थैली इतनी छोटी है पर इसमें जो है कितने पता है, दो चश्मे माँ के और बेटे के, और इसकी कीमत कितनी है 26,500। 26,500 नहीं नहीं 16,000 के मेरे हैं, 13,000 के आपके, 30,000 इतने के ये चश्मे हैं। और बस जाने लोग इतना ही बस हो गया आज के लिए। टेंडर कोकोनट ब्लैक ग्रेप्स, टेंडर कोकोनट व्हाइट ब्लैक, समझ गए मतलब मेरा बेटा खाएगा ब्लैक, मैं खाऊंगी व्हाइट, इसलिए क्योंकि मेरा बेटा है व्हाइट, मुझे व्हाइट बहुत पसंद है, मैं वो ब्लैक, तो मेरे बेटे को ब्लैक बहुत पसंद है, तो हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग और एक दूसरे की खूबसूरती शेयर करते रहते हैं। तो उसके साथ आप तो हो ही, तो खाओगे व्हाइट ब्लैक उसने ले लिया। अरे बाप रे, किसका वेट करते बैठे थे बेटा, मम्मा का ना? देखना दोनों भी बराबर दरवाजा देखते बैठे थे। पहले तो आप इसमें गैस करो, वो तो आप देख ही लोगे, जस्ट मैं मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग लाइव चालू है, आप लोग मुझे बताओगे, ऐसे आप लोगों का मेरा रिश्ता हो गया। मैं आपको बताई ना मैं सूरत जा रही हूँ कल, तो ये मेरी सूरत में बहू रहती है, ये मेरी बहू पीती है, तो ये मेरी बहू के लिए है खास। क्या है पता है ना आपको कि इंट्रोडक्शन की जरूरत है इसको, बट ये प्रमोशन वाला नहीं है, इसको मैंने पे कर लाई हूँ, ये मेरी खास सूरत में मेरी बहू रहती है ना उनके लिए ये स्पेशल मोगो मोगो लीची फ्लेवर। एक्चुअली ढूंढ रहे थे हम लोग ग्रेप्स पर वो मिले नहीं, बट कोई बात नहीं, उसको सब फ्लेवर पसंद है मेरी बहू को, और इंशाल्लाह कल आपको उनसे इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी, मेरी बहू से मेरे बेटे से। देखो बड़े पीर सरकार का इतना करम है कि अभी तक इतनी नियाज है, इतनी नियाज इतने लोग लेते हैं, और काफी लोगों का फोन भी आया था, तो मैंने उनको बोले कि मैं बॉटल लाई नहीं हूँ, जब बॉटल लाऊंगी तो आपको जरूर, कुछ लोग तो ऐसे खाली आपा खाली वो शिफा का पानी चाहिए, तो इतनी बरकत है माशाल्लाह। तीन बॉटल तो मेरी जो ओरिजिनल है वो अंदर रखा हुआ है, क्योंकि मैं उसमें से आधा आधा बॉटल मिक्स करके पानी बना के देती हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, तो अब देखो माशाल्लाह जा रही हूँ सूरत, तो सूरत भी इतना सारा पैकिंग कर रही हूँ तो भी माशाल्लाह अभी भी बहुत है अंदर। बड़े पीर सरकार का ऐसा करम हुआ है कि कमी नहीं हो रही है, और मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में भी अभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि गरीब नवाज सरकार का तो करम है ही है, अब मेरे बड़े पीर सरकार का भी करम हो गया है मुझ पर, तो माशाल्लाह जब उनकी तबरुक में कमी नहीं हो रही है तो फिर उनकी देने में क्या कमी होगी, है ना। सुबह का पहला सलाम आप सबको, दिल से जुम्मा मुबारक। और चलिए मैं निकल रही हूँ सफर में, तो हमेशा मैं तो सबका निकाल कर ही चलती हूँ, और आज मैंने तो इमाम जामिन का पैसा भी निकाली, क्योंकि मैं जब भी
सफर पे निकालती हूँ तो इमाम जामिन का पैसा जरूर निकालती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि इमाम जामिन की जो जमानत होती है वो हमेशा हमें मुसीबतों से, तकलीफों से बचा के सही सलामत से ले जाती है, सही सलामत से ले आती है। बस आप भी मेरे हक में दुआ कीजिए कि जो काम से निकली हूँ, जो नीयत से निकली हूँ, अल्लाह उसे पूरी करे, क्योंकि ये काम और ये नीयत में बहुत सारे लोगों का जरूरतें शामिल है। ठीक है, पहुंच गए सूरत। और आप सबको पता है कि मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ, और इसी बीच में आज मुबारक जुम्मा है रमजान का, तो नमाज यहीं पढ़ेंगे। मैं तो अपनी जानेमाज लेकर आई हूँ, अगर बहुत गर्मी है यहाँ उतरी तो अगर हो सका तो यहीं पे पढ़ूंगी नमाज, नहीं तो अगर बाहर उस टाइम अगर बाहर नहीं तो बाहर ही कहीं दरगाह पे नमाज पढ़ूंगी। और अमीन भाई ने भी अपने कपड़े लेकर ही आए, तो इंशाल्लाह चलिए पहले अपने काम से फारिग हो जाओ। और मैंने तो मैसेज के जरिए कल ब्लॉग के जरिए बोली दी थी, और इंशाल्लाह भी देखो रील्स भी डालूंगी तो पता चल ही जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझसे जब भी झगड़े होते थे या जब भी कुछ बातें होती थी तो वो सूरत रहते थे, और मैं कहीं काम से जाती तो मेरी आदत है मैं अपनी रील्स बनाते रहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, तो वो रील्स देख के अपडेट लगाते थे और उसी को बात लेके फिर शाम को हमारे घर में मचमच होती थी। और इंशाल्लाह मैंने एक बार आपसे अभी शायद ब्लॉग पहले ही आपके साथ ये बात शेयर की थी कि मैं पेपर ढूंढ रही हूँ, तो एक पेपर तो मिसप्लेस है काफ़ी जगह, लेकिन उस वक्त वीडियो जो मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं तो वो वीडियो लिया था, तो वो वीडियो मुझे मिल गया है कि जब मेरी बहन और मेरी बहन के हस्बैंड आए थे और उस टाइम हमारी क्या बात हुई थी, और जब मैंने अयूब को बोला था कि मुझे नहीं रहना आपके साथ तो उस टाइम क्या सब तफसील से चीज़ें हुई थी। तो माशाल्लाह बोलते हैं ना कि आप अगर सच्चे हो और आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह पाक कहीं से भी गैब से भी आपको चीज़ों में खड़ा कर रखता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सी सारी चीज़ें भी कल मुझे मिल गई है। तो इंशाल्लाह अगर वक्त आएगा और ज़रूरत रहेगी तो वो बातें भी बताऊंगी और वो वीडियो भी बताऊंगी आप लोगों को। तो फिलहाल चलिए जो काम से आई पहले वो काम से फारिग हो जाओ। मेरा दिल बिल्कुल भी यहाँ उतरी तो मेरा दिल बिल्कुल खुश नहीं है। मैंने तो एक टाइम ऐसा होता था कि मैं इतनी खुश रहती थी, आप लोग जैसे पिछले वीडियोज में देख सकते हो, मैं हमेशा दिखा देती थी ये देखो मैं सूरत आई, और बहुत मतलब अयूब के साथ रहती थी या फिर अयूब यहाँ रहते थे मैं आ जाती थी, मैं और अमीन आते थे, हम लोग इतने खुश रहते थे ना जब सूरत आते तो। लेकिन आप यकीन कीजिए आज मेरा बिल्कुल भी दिल खुश नहीं है और बिल्कुल भी मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे। लेकिन क्या करूँ, अपने काम से मजबूर हूँ क्योंकि मुझे कोई खिलाने वाला है नहीं, अपने काम से ही खाती हूँ और अपने काम से ही रहती हूँ। तो बस काम के सिलसिले में आई हूँ, अल्लाह उनको अच्छा रखे जिन्होंने मुझे यहाँ तक काम के लिए लेकर आए थे। तो चलिए पहले मैं अपने काम से फारिग हो जाऊँ और इंशाल्लाह हो सका तो तभी बात करूँगी, नहीं तो फिर जोहर बाद बात करूँगी। वालेकुम, रमजान का जुम्मा आपको दिल से मुबारक। और ये तो आप देख ही रहेंगे सूरज, हम आए हैं सूरज, और इधर पीछे मस्जिद है, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। माशाल्लाह हम लोग सूरत उतरे और जो मेरा काम था वो भी काम से फारिग हो गए। और आपको पता है कि आज रमज़ान का मुबारक जुम्मा है, तो फिलहाल तो मैं अपनी जानेमाज फिर से शुरू कर दी हूँ अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि मैं जब अजमेर जाती थी अयूब से शादी करने से पहले तो ये जानेमाज मेरे साथ हमेशा रहती थी, और ये मेरी जानेमाज मैं लाई हूँ मक्का से। और माशाल्लाह जब ये जानेमाज में मैं खड़ी होती हूँ अल्लाह इतनी बरकत देते हैं, अल्लाह इतना नवाजते हैं मुझे, तो ये उसी की बरकत है जो मुझे अल्लाह ने आज इतना दिया है। फिर से मैंने अपनी जानेमाज लेकर चलना शुरू कर दी हूँ, तो माशाल्लाह भी जा रही हूँ जुम्मा की नमाज पढ़ने। और अमीन भाई तो पहले ही चले गए नीचे, क्योंकि हम जहाँ रुकते हैं होटल पे तो वहीं पे उनको आवाज़ आ गई अजान की, नहीं तो हम जा रहे थे दरगाह। लेकिन इतनी गर्मी है यहाँ पे, तो मैंने अमीन को बोला कि दरगाह बेटा बाद में जाते, मैं यहीं रूम में नमाज पढ़ लेती हूँ। तो बोले ठीक है आप यहाँ पढ़ लो, मैं नीचे पढ़कर आता हूँ। तो अभी मैंने बच्चे को बुलाई अंदर और उनको बोली कि यहाँ किबला किस तरफ है बेटा, तो वो बताए मेरे को किस तरफ किबला अड्डी। तो चलिए मैं नमाज भी पढ़ लेती हूँ। और माशाल्लाह जो मेरे बेटे को मैंने तस्बीह गिफ्ट करी हूँ, ये
एक्चुअली लाई थी या सब लोगों को देने के लिए, तो इसमें से ये अमीन ने, मैंने अमीन को बोला आपको क्या चाहिए, तो बोला आप क्या दोगे मुझे, जो आपका दिल करे वो दे दो। तो मैंने उनको ये व्हाइट वाली जो तस्बीह है बगदाद शरीफ की, बहुत सारी तस्बीहें लाई थी, उस तस्बीह में से एक तस्बीह उठा के मेरे बच्चे को मैं तोहफा दी हूं। तो इंशाल्लाह देखो, हमेशा जो चीज तोहफे के तौर पे दी जाती है वो तो बहुत कीमती होती है, और ये तो सच में बहुत कीमती है कि आपको भी पता ये कहाँ से आई हुई चीज है। तो चलिए फिलहाल नमाज से फारिग होती हूँ, फिर देखते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं, या फिर घर जाने की तैयारी, अब पता नहीं जो भी मैं, क्योंकि मुझे मुझ पर इल्जाम लगा था कि मैं यहाँ पे फार्म हाउस में रहने आने वाली हूँ या फिर किसी से बात करती हूँ, तो मुझे उसका भी खुलासा करना था, इसीलिए मैं पिछले ब्लॉग में उसका सारा मैसेज डाल चुकी हूँ। और इंशाल्लाह जब ये मेरे ये ब्लॉग जब शाम को आएगा तो इंशाल्लाह ये देखकर भी देखते हैं कि मुझे क्या इसका रिप्लाई मिलता है या नहीं मिलता है। और खैर बहरहाल, ज्यादा बोलो या कम बोलो, अभी भी मैं उनके निकाह में हूँ, अभी भी कुछ रिश्तों की डोर बंदी भी है, कटी नहीं है। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, और अभी तो मैं अल्लाह के पास ही झुकने जा रही हूँ, बस अल्लाह से यही दुआ करूंगी परवरदिगार कि इसमें जो सच्चाई है अल्लाह पाक उसी को अता करना, और जिसके हक का जो है अल्लाह उसी को वो देना, और अगर इसमें भी कुछ तेरी रजा है तो उसमें ज्यादा दे देना अल्लाह पाक। मम्मी मैं कब से आया हूँ, तक पढ़ ही रहते हैं, नमाज पढ़ ली थी, तस्बीहा पढ़ रही थी, तस्बीह दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते है ना, तो जिनके लिए पढ़ते तो उनके लिए जब दुआ करते और माफी तलब करते ना अल्लाह के पास भेज के, तो इंशाल्लाह उनकी माफी जरूर कबूल होती। तो तेरी नानी के लिए, नानू के लिए, और अयूब के मम्मी डैडी के लिए, तेरे दादा ही लगते, दादी ही लगते, ठीक है। और बाकी तो हुजूर और गरीब नवाज के लिए तो मैं पढ़ती हूँ, और तुम सब के लिए, मेरे लिए और जितने मेरे चाहने वाले सबके हक में दुआ की हूँ, अल्लाह इसे कबूल करे रमजान के सदके में और रमजान के मुबारक जुमा के सदके में। और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो लिया नीचे, हाँ ओ पापरे माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है एकदम यहाँ पे। और लेकिन मुझे सुबह आई जब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, जरा भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी क्या करते, चलो फिर मुझे जाना है अल्लाह का शहीद, तुझे पता है मेरे दिल जान अटकी रहती है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह कोशिश करते जल्दी से जाके आके फिर यहाँ रोजा खोलते, और फिर मोमो वोमो भी तो उनको बोलती हूँ कि फ्रिज में रखो, शाम को रोजे के टाइम पियेंगे। तो चलिए फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा यही सब घड़ी करके तय करके रख दूँ, और फिर तुम्हारी सायरा आंटी जैसे रूप में उस रूप में आ जाओ, क्योंकि ये रूप में ज्यादा सायरा आंटी को आप पसंद नहीं करते हो, लेकिन अल्लाह मुझे बहुत पसंद करते, इसीलिए अल्लाह पाक बहुत अता करते, आप मतलब मेरे हेटर्स। और बाकी तो जो मुझे दुआ लिखते जो ब्लेसिंग भेजते वो तो मुझे कोई भी रूप में पसंद करते, क्योंकि उनको मेरे चेहरे पे सच्चाई दिखती है। तो अल्लाह पाक हर किसी की तकलीफ ऐसी दुनिया के सामने दिखाए, ताकि उनमें से लोग उनको देख के हिम्मत दे, ताकत दे, और उनको समझे, और उनके हक में हमेशा लोग दुआएं करें। और हमारी सेकंड रेसिपी भी आ गई है, क्रिस्पी चिकन सैंडविच, अल्लाह मैंने देखी नहीं, तो आप जाइए मेरे चैनल पे, और माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह पे मुझे तूने ये न्यूज दिया कि तूने डाल दिया, तूने बोला था मैं डालूंगा, बोला नहीं अभी, हो गया एडिटिंग डाल दिया था। अच्छा तो आप जाइए प्लीज और देखिए जरूर, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो नहीं लाइक कीजिए, पर देखिए जरूर, तुम्हारे सायरा आंटी की बहुत मेहनत है उसके अंदर। और हमेशा मैंने क्या कहा, जो मेहनत और जो सच्चाई रखोगे अल्लाह पाक कभी भी उसको देने से पीछे नहीं करेंगे। तो बस आप देखिए और लाइक कीजिए, और अपने बच्चों के साथ अपने घर में जो भी लोग हैं उनको बना के प्यार से खिलाइए जरूर। चलिए हम लोग अब जा रहे हैं लाखा शहीद, और जो मेरी बहू के लिए मैंने मोगो मोगो लाई हूँ, क्योंकि हम लोग को भी रोजा खोल के मोगो मोगो लगता ही है। तो मैं अभी बोलती हूँ मेरे बेटे को कि भैया ये ठंडा कर दे, तेरी औरत को भी मिला और तेरी माँ के लिए और भाई के लिए भी रख। तो अभी हम जाके आते हैं लाखा शहीद, मेरी जान बहुत अच्छी रहती लाखा शहीद, पहले जाके वहाँ सलामी भरकर आती हूँ, क्योंकि जो काम से है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। ये जरा उनको पे कर दो ना, हाँ। ये क्यों लेकर आया मोगो मोगो, उसमें ही रख देता गाड़ी में, कुछ देख के याद आया कि ये सेटर नहीं याद आया तो बाद में बताती हूँ।
देखकर याद आ जाएगा कि ये सेटर के नीचे कौन बैठते हैं और मैं कहाँ खड़ी हूँ। और ऊपर ही अयूब की फैमिली का घर है और मेरे को पता नहीं था कि अयूब यहीं पर रहते, क्योंकि मैं ये घर पर पहले आ चुकी हूँ। और सामने से ही मैंने राइस ली कि अयूब जो घर पे चावल लाते थे वो मुझे बहुत पसंद थे, तो मुझे नहीं मालूम कि यही चावल मिलते। और ये घर पे तो मैं पहले जब शादी की थी तो यहाँ आई थी उनके घर पे, और आप आए थे या ये सेटर देखते हो, पर ये नहीं पता था कि ये सेटर यहीं का है। ठीक है, देखिए लाका शहीद जो मेरे दिल की बहुत ज़्यादा अजीज और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सुकून वाली जगह, इवन मेरे बेटे को भी है। और माशाल्लाह मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ आए बगैर जाती नहीं हूँ। और इसके पहले मैं जहाँ चावल ली और जो जगह बताई उसको इत्मीनान से मैं बात करूँगी, पहले मैं जाऊँ अपने दिल का सुकून जो मुझे मिलता है पहले वहाँ थोड़ा देर बैठूँ ठंडक में, उसके बाद तो बातें करते रहेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। आ जाइए, ये दो बेटे तो बगदाद शरीफ अखी दुनिया की जियारत कराते, ये वो बेटा है जिसको रात को 2 बजे में बात करती हूँ। हेलो बेटा, हाँ ये मेरा लाल है और मेरे लाल के साथ 2 बजे बात करती हूँ मार्केट में, ऑफिस में, घर से। और कहाँ घुमाने लेकर आया ये वाला बेटा, ये अभी ये वाली सूरत की सारी जियारत अब ये बेटा कराएगा मेरा। तो यहाँ से हम जा रहे लाका शहीद से निकल के ख्वाजा दादा है ना, और फिर उसके बाद चलो फिर मेरी बहू से, मेरी बहन से भी मिलूंगी। इनकी अम्मी मेरी बहन, मैंने इनको बहन मानी हूँ और बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे हो। और एक बेटे को तो आराम दे दियो। ओ भाई अरे बेटा हो। ये वाला जो लड़का दिख रहा ना अली नहीं है, पर अली जैसा ही काला कलर वाला। चलिए ये है ख्वाजा दाना सरकार, जहाँ मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरा निकाह हुआ है। तो बस आज इनसे दिल से अर्ज लगाई हूँ कि अगर आपने ये रिश्ता जोड़ा है तो इसमें जो सच्चाई है बस वही लाना, और जो मेरे हक का है मुझे अता करना, जो नहीं है मुझे नहीं चाहिए वो। तो मैंने आज इनके ऊपर ही सारी बातें रखी और इन्हीं के ऊपर छोड़ दी हूँ। बस मैं आती हूँ तो ये एक ख्वाजा दाना है और लाका शहीद है, यहाँ मैं जाए बिगर नहीं रहती हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए अब यहाँ से जाके हम खोलेंगे रोज़ा। यहाँ रोज़ा खोलने की काफ़ी अच्छा इंतज़ाम होता है, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है और बहुत थक गए हम लोग, तो अभी हम जा रहे हैं रोज़ा खोलने की दावत है। ऐसे बहुत है, मुझे यहाँ बहुत सारी दावतें मिली है। तो ये ब्लॉग के ज़रिए आप सबका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे दावत के लिए बोले हैं, मेल करे हैं। चलिए माशाल्लाह जो मेरी दिल की ख्वाहिश है और मेरे दिल की जहाँ खुशी है वहाँ भी जाकर है, जैसे कि ज़ियारत आपको पता है लाका शहीद बहुत ज़्यादा मुझे दिल के अजीज़ है। और वहाँ से फिर आज मैं ख़ास गई थी ख्वाजा दाना इसलिए क्योंकि वहीं पे जाके बैठ के मैंने आज अमीन को भी बताया कि कौन से रूम में बैठ के मुझे मेरे साथ में निकाह करे कौन सी बात। तो अमीन बोला आप ऐसे ये रूम में बैठ के कैसे निकाह कर लिए, तो मैंने आज मेरे बेटे को सारी बातें बताई। और उसके बाद अब मेरा कुकिंग चैनल चालू हुआ है, तो आपको पता जो भी कुकिंग करते हो जो जहाँ भी जाएंगे तो उनको वहाँ कुकिंग में क्या बेस्ट है क्या अच्छा है तो वो उसको शौक रहता है। तो ऐसे मुझे पहले से ही शौक है, पहले अपने घर वालों के लिए अपने शौहर के लिए करती थी कुकिंग, लेकिन आज तो चैनल भी मैंने माशाल्लाह एस्टेब्लिश करना है मुझे, तो उसके लिए तो फिर जो मेरी पसंद की चीज है जो मेरी स्पेशल मेरी फैमिली के लिए बनाती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूँ। तो ये चावल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जब अयूब मेरे को लाकर दिए थे बोले पहले उन्होंने लाए थे 5 किलो के, बोले तू ये चेक कर अच्छा लगा तो मैं एक गोनी लेकर आ जाऊंगा। तो गोनी तो लाए नहीं, वो खुद ही चले गए। और आपको पता है ये 1000 रुपए के चावल ने क्या काम किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अयूब ये सेटर के नीचे बैठते हैं और आप लोगों को पता है आप लाइफ में देखते ही वो कहाँ बैठते हैं, और उसी के बाजू में ऊपर घर है जहां मैं उनके घर भी गई थी जब मैं बताई थी टिकटॉक के टाइम पे कि ये मेरे सूरत का घर है। पर मुझे नहीं मालूम था कि ये 1000 रुपए के चावल मुझे वहां तक लेके जाएंगे और वो चीजें मुझे पता चलेगी। कहते ना जब आपकी नीयत साफ हो और आप दिल में कपट नहीं रखते हो, मतलब दिल में काला नहीं रखते हो, तो अल्लाह पाक आपको रास्ता अपने आप दिखाता है। मैं तो लेने गई थी चावल, लेकिन इतनी सारी बातें और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। लेकिन देखो मैंने हमेशा ये बात बोली, लोग भले मेरे पर कितना भी वीडियो बनाए या कितनी भी बातें करें, मैंने कभी उनकी बातें सुनकर अपनी ट्रैक चेंज नहीं करी। जो मैं हूँ मैं वही आप लोगों के साथ बातें करती और दिखाती भी हूँ और बोलती भी हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला, जब तक मेरे पास कोई पूरा ठोस बात नहीं होती, कल को चलो अयूब भी आके मुझे सामने बैठ के बोले कि तूने ये बोला तो ये क्यों बोला, इसका खुलासा बता, तो मैं क्या जवाब दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी ना। तो जब तक आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिले या पूरी तरीके से उसकी कंफर्म हो कि ये चीज है
और आपको कहीं भी कोई भी बाजार में भी खड़े रहकर अगर आपसे सवाल करे तो आपको जवाब देने के लिए वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर उंगली उठाओ या उसके ऊपर बात करो। मेरा ये सोचना भी है और मैं ये करती भी हूँ। तो मुझे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन वहां मिली है, लेकिन मैं आज बस आई थी अपने काम से और अयुब को मैंने मैसेज भी दिया था कि आप पेपर भी तैयार कर लो और मेरे वीडियो पे ध्यान रखो। तो मुझे अब तक तो कोई आया नहीं आंसर, इसीलिए मैं शाम को चली जाने वाली थी क्योंकि मेरा बेटा वहां रोजा रहता है या हम दोनों भी रोजा में रहते हैं, तो यहाँ हमारा कौन है, हम किसके लिए रुके और किसके पास रुके इधर, और बाजार का खाना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अभी तक तो कुछ बात आई नहीं है और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी मिली है तो मैं उसके तह तक जाके उसको कन्फर्म करके यहाँ से जाने के लिए मेरा दिल चाह रहा है। तो मैं इसीलिए आज भी यहीं रुकने वाली हूँ और ये ब्लॉग आपके पास जब आएगा तो इंशाल्लाह मैं यहीं पे हूँ और इंशाल्लाह जब यहाँ रुकूंगी तो मुझे अयुब ने बहुत सारे सपने दिखाए थे कि सूरत की इफ्तारी क्या रहती है, सूरत की सैरी क्या रहती है। जब मैं तुम लोग को लेके जाऊंगा, आमिर को बोलते थे भाई तेरे खाने का बहुत शौक है ना, मैं तुझे ये लेके जाके खिलाऊंगा, तुझे वो लेके जाके खिलाऊंगा। उन्होंने तो कुछ करे नहीं, लेकिन अब जब मैं यहाँ रुकने का प्रोग्राम करी हूँ और मैं रुकी इसलिए हूँ कि जो मुझे बात मालूम पड़ी है मैं उसकी पूरी और तय तक उसको मालूम करना चाहती हूँ। और फिर रात को रुकी हूँ तो मैं, अगर उन्होंने वादा किया तो कि मेरे बेटे को मैं लेके जाके खिलाऊंगी जब मैं यहाँ रुकी हूँ। और इंशाल्लाह यहाँ तो बहुत फेमस है, ऐसे भी आप लोगों को पता है सूरत में खाने की चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। अगर कुछ स्पेशल रही और हम गए, और अल्लाह से दुआ कीजिए आप जब ब्लॉग चालू होता है तो आप बहुत सारे लोग इसमें लाइव आते हो, तो अल्लाह के वास्ते आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि बस मैं ये सब चीजें जो कर रही हूँ मैं इसमें हिम्मत मिले, ताकत मिले और मैं कर सकूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार, टूट जाती हूँ और दिल की तकलीफ होती है ना, तो आदमी बहुत मजबूर और बहुत मतलब नहीं चाहते हुए भी वो चीजों को बयान नहीं कर पाता है। नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, तो इंशाल्लाह बस आप मेरे हक में, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इतनी दुआ कीजिए जो सच्चाई है जिस पे आज भी मैं यकीन करके बैठी हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं अयुब मेरे से सच्ची प्यार करते थे, लेकिन मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। तो इंशाल्लाह बस ये ब्लॉग यही खत्म करूंगी क्योंकि अब मैं यहाँ रुकने का प्रोग्राम भी कर ली हूँ और नमाज का भी टाइम हो रहा है, ब्लॉग भी काफी लंबा हो चुका है। तो मैं इंशाल्लाह, चलिए जो भी मुझे बातें पता चली, जो भी पता तो चलेगी, नहीं चाहते हुए भी अल्लाह ने बहुत कुछ पता सामने ला दिए मेरे, तो इंशाल्लाह मैं सारी बातें तफसील से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बस दुआ कीजिए कि बस मजबूती से जो खड़ी हो वो मजबूती मेरी टूटे नहीं, यही मेरे हक में जरूर दुआ कीजिए, क्योंकि मैं अगर टूट गई ना तो मेरे बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मेरे बच्चों के लिए कभी टूटना नहीं चाहती हूँ। तो बस ये व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ और फिर से वही बात, कुछ भी गलती हो बोलने में, बताने में और कुछ मेरे बिहेव में, तो आप लोगों से दिल से माफी। और इंशाल्लाह हर किसी के हक में दुआ कीजिए क्योंकि दुनिया में मैंने देखा कि मजबूरियां बहुत है और उसको बयान करने वाले और उनको तोड़ने वाले लाखों है। तो बस सबके हक में दुआ कीजिए, उसी तरीके से मेरे हक में भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।